in this section i will explain the factors that influence the exchange rate in the short run so we when we look at the foreign exchange trading we see that it can happen 24 hours 7 days a week kisi bhi waqt kahin bhi aap foreign exchange ki trading kar sakte hai aur wo happen and another important thing which is linked with this Foreign exchange is that we always do the trading in currency pairs. के, currency के pairs होंगे तो exchange होगा otherwise नहीं हो सकता तो हमें देखना पड़ता है, है वो against yen जारी है dollar, यूरो पे एक्सचेंज हो रहा है पाकिस्तानी rupee, यूआन पे एक्सचेंज हो रहा है तो हमेशा आपके पास करेंसी पेयर्स होते हैं अब जो मेन बात है जो कि रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटर्मिन करने में शॉर्ट रन में हेल्प करती है दैट इज़ द सप्लाई एंड द डिमांड फोर्सेस कि कितना सप्लाई है किसी भी करेंसी का और कितना डिमांड है उस करेंसी का ये दोनों चीज़ें मिल के आपके एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं बट वी ऑलवेज पुट अप द एक्सचेंज रेट इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर जैसे अभी आप देख सकते हैं हम हम अगर यू एस डॉलर्स को यू एस डी से रिप्रजेंट करें ये इंटरनेशनल नोटेशन है और जी बी पी को ब्रिटिश पाउंड तो हमारे पास जो एक्सचेंज रेट आएगा वो जी पी डिवाइडेड बाय या जी पी ओवर यू एस डी होता है इसी तरह से यू एस डी डिवाइडेड बाय कैड है कैड का मतलब है कनेडियन डॉलर तो अगर इस करेंसी पेयर की वैल्यू लिखी हुई है वन पॉइंट थ्री थ्री तो इसमें आपने याद रखना है कि जो न्यूमरेटर में लिखा होता है लफ्स ऊपर लिखा होता है वो हमेशा वन होता है और जब हमने इसकी वैल्यू लिखी है वन पॉइंट थ्री थ्री इसका मतलब है कि एक यू एस डी वन पॉइंट थ्री थ्री करेडियन डॉलर के बराबर है राइट तो, तो दिस इज हाउ वी रीड इट इसी तरह से अगर मैं लिखूंगी यू एस डी डिवाइडेड बाय पी के आर इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स तो इसका मतलब ये है आपने न्यूमरेटर के लिए एक इस्तेमाल करना है ए यू एस डी 176 PKR के बराबर है तो दिस इज द वे वी इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर थिंग तो जो ऊपर चली होगी करेंसी पहले लिखते हैं उसको हम वन बोलते हैं की वैल्यू वन होती है अब हम बात करने जा रहे थे कि शॉर्ट रन में इक्लिब्रियम वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन करने का क्या तरीका होता है तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि सिंस वी आर डीलिंग विद द शॉर्ट रन तो हमने सप्लाई ऑफ अ सर्टन करेंसी को फिक्स रखा हुआ है एज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लेकिन जो डिमांड है वो नेगेटिवली स्लोपिंग है इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट हाई होगा तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी और एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो आपकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी आप उस करेंसी को ज्यादा लेना पसंद करेंगे नाउ देर फैक्टर्स जो कि इन पर्टिकुलर चेंजेस को कॉज करते हैं और इसमें देर कुड बी जम्प्स इसमें कोई इरेगुलर मूवमेंट आ सकती है कोई भी पैनिक की सिचुएशन आ सकता है या किसी भी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ सर्टन फॉरेन गुड है या लोकली प्रोड्यूस्ड गुड है ये सारी जो फैक्टर्स हैं मौसम का फर्क हो सकता है जिसकी वजह से आपके यहाँ मार्केट में उतार और चढ़ाव आ सकता है अप एंड डाउन मूवमेंट आ सकता है बट इफ सपोज आप डायग्राम सपोज वी आर सी एट अ पॉइंट वेर ई एज द एक्सचेंज रेट तो इधर आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल मार्केट परसेप्शन है वो समझ रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है दैट इज क्वाइट हाई इसलिए डिमांड कम हो जाएगा और आपका जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है एक्सेस सप्लाई की वजह से जो डिमांड जो उसका प्राइस है एक्सचेंज रेट है उसका वो इट विल गो डाउन एंड यू कैन सी दैट दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेड डाउनवर्ड एरो और वो आपके एक सर्टन ऐसे पॉइंट के ऊपर जाके रुकेगा जहाँ आपका सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाता है इसी तरह से अगर हम एज्यूम करें कि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपका काफ़ी लो एक्सचेंज रेट है

अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करने में मददगार हो सकते हैं सो ऑफ फैक्टर्स। अगर आपकी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाए तो ऐसा करने से जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ द डोमेस्टिक एसेट्स दैट विल गो अप वेल और इसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट हैव इन द फॉर्म ऑफ एन अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड क आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहले डिमांड कर्व थी वो नीली थी मगर जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं डोमेस्टिक वो इंक्रीज कर कर जाने से आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज कर करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करके इसी तरह से अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट किसी फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा तो फिर आपकी जो डिमांड है दैट विल शिफ्ट बैकवर्ड्स और आपको एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक प्राइस लेवल अगर इंक्रीज कर जाए तो उससे फिर आपकी जो डिमांड का वो वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है और आपका एक्सचेंज रेट भी फॉल कर जाता है एज यू कैन सी हेयर इधर भी फॉल कराए इधर भी फॉल कराए और अगर आपकी एक्सपेक्टेड ट्रेड बैरियर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो ट्रेड बैरियर्स को इंक्रीज करने वाली है तो फिर आपकी जो क्वान्टिटी डिमांडेड है ऑफ डोमेस्टिक एसिड दैट विल गो अप एंड एज अ रिजल्ट द एक्सचेंज रेट विल गो अप और इथ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस अपवर्ड मूवमेंट और आपकी डिमांड कर्फ अपवर्ड शिफ्ट कर गई है नाउ एक्सपेक्टेड इंपोर्ट की जो डिमांड है अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंक्रीज कर जाएगी तो दैट विल आल्सो कॉज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट बैकवर्ड्स एंड द एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन अगर आप एक्सपोर्ट की डिमांड को समझ रहे हैं कि वो बढ़ने वाली है ऐसा करने से आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाएगा आपका डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग के हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी है दैट विल गो अप एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द एक्सपेक्टेड डिमांड और आपका जो एक्सचेंज रेट है दिस विल गो और आपकी दिस कैन बी ऑब्जर्व एज एन इंक्रीज इन द डिमांड अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड का और आपकी एक्सचेंज रेट इंक्रीज करती हुई आपको यहाँ दिखाई देने को मिल रही है सो दिस इज हाउ वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ अ सर्टन करेंसी And this is how we can see that there would be shifts in the equilibrium also.